पॉल्यूशन कहर ने कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रे फोर लागू थी चुक्य है। एर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशने रविवार आने लईने निर्णय कर महत्वपूर्ण ए कि छेल्ला केटलाय दिवसों दिल्ली एनसीआर में श्वास लेव दुभर बन्यु। पॉल्यूशन कहर ने कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रे फोर लागू थी चुक्य है। एर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशने रविवार आ निर्णय कर सीक्यूएमए आने लईने निवेदन जाहिर करीने कहूं छे कि एर क्वालिटी नी हालनी स्थिति ने ध्यान में राखता आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। दिल्ली नो एक्यूआई 450 थई चुक्यो छे, तेवामां उपसमितिए ग्रेप साथे जोडायेला तमाम जरूरी पगलाने तात्कालिक प्रभावथी लागू करवानो निर्णय कर्यो छे। ग्रेप फोर हेठळ लागू थनारा प्रतिबंधो आखा एनसीआर में लागू छे, तेना हेठळ 8 एक्शन प्लान तैयार करवामां आव्या छे। पॉल्यूशन बढ़ने का दिल्ली में एक ही कारण है, पिछले 9 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने कभी भी प्रदूषण को गंभीरता से लिया नहीं। उनके लिए ये भी एक इवेंट है कि 2 महीने वो इवेंट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, पूरे साल वो इस पर काम करते नहीं। अगर दिल्ली की सरकार ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज दिल्लीवासी इसी तरह से घुटी हुई सांस लेने में या आंखों में जलन लिए सड़कों पर नहीं घूमते। और WHO की जो रिपोर्ट है गंभीर रिपोर्ट है, और मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, ये अपराधी सरकार है, इसने दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ग्रेप फोर हेठळ दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगावाय छे। हवे मात्र जरूरी सामान लईने आवनारा ट्रकों अने LNG CNG अने इलेक्ट्रिक ट्रकों ने दिल्ली में आववानी मंजूरी रहेशे। तेनी आवश्यक सेवाओं में सामेल नहीं थनारा तमाम माध्यम अने भारे मालवाहक वाहनों ने पण दिल्ली में एंट्री माटे प्रतिबंध कराया छे। देखिए, सबसे ज्यादा कंसर्न प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कोई चिंता नहीं है, और केजरीवाल जी अपने प्रदेश को देखने के बजाय पूरे देश में घूम घूम करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरकार तो दो ही की है दिल्ली में, एक तो आम आदमी पार्टी की है और दूसरी कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, तो जिम्मेदार दोनों दोषारोपण लगा रहे हैं, मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसी आम धारणा है कि पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको प्रभावित करता है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यह न सिर्फ श्वास से संबंधित बीमारियां बल्कि शरीर के और बहुत सारे सिस्टम पर जो है यह एक्ट करता है। हमारे पास जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कि हम लोग लकवा की बात कहते हैं, और साथ ही साथ जो आर्थराइटिस जो है उसका इसका सीधे तौर पर इसका जो संबंध देखने को मिला है। दिल्ली सरकार ग्रेप फोर हेठळ कड़क प्रतिबंध लागू करवा माटे सोमवारे इमरजेंसी बैठक बोलावी छे। तेना सिवाय हाईवे, सड़कों, फ्लायओवर, ओवरब्रिज, वीजळी ट्रांसमिशन, पाइपलाइनों जेवा पब्लिक प्रोजेक्ट्स ना निर्माण ने रोकवा माटे पण निर्देश आप्यो छे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति वच्चे सरकारी अने प्राइवेट ऑफिसेस में 50% कर्मचारियों माटे घरेथी काम करवानो निर्देश जाहिर करायो छे। धोरण 6-9 अने धोरण 11 माटे ऑनलाइन क्लासेस चलावा पर विचार करवानो कहेवामां आव्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।